वेलकम बैक गाइस करता हूं, आप सब खैरियत ही होंगे तो पिछली वीडियोज में हमने आ, अपनी जो वेबसाइट है उसका हमने डिजाइन अच्छी तरह देखा तो आज की इस तो वीडियो के अंदर हम देखेंगे हेडर एंड फुटर ऑफ आवर वेबसाइट तो शुरू करते हैं सबसे पहले हम जाएंगे अपने डैशबोर्ड में और डैशबोर्ड में हम जाएंगे अपीयरेंस में अपीरेंस में हम क्यों जा रहे हैं मेन्यूज के लिए हम चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट में यहाँ पर कुछ मेन्यूज शो हों तो उसके लिए हम जा रहे हैं मेन्यूज में अब यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर सबसे पहले हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे मेन मेन्यू प्राइमरी और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा होम पेज को और फिर मैं यहाँ से चूज करूँगा कोर्स लिस्ट को और उसके बाद मैं करता हूँ कांटेक्ट कॉन्टेक्ट और ब्लॉग्स फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन माय अकाउंट ओके ऐड टू मैन्यू हमारे सारे पेजेस आ गए अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि मुझे होम पेज शो हो उसके बाद मुझे कोर्स लिस्ट शो हो जिस तरह आप इनकी तरतीब चाहते हैं आप इस तरह इनको ड्रैग कर सकते हैं ऊपर नीचे अब उसके बाद मैं चाहता हूं कि मुझे ये दो पेजेस शो हों उसके बाद ये सारे मुझे नए मेन्यू में शो हों तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कस्टम लिख में जाऊंगा यहां पर मैं हैश पेजेस ओके ऐड टू मेन्यू इसको मैं ले जाऊंगा इधर ऊपर इधर और इसको मैं इधर कर देता हूं इस तरह Okay, फिर उसके बाद इस तरह, फिर यू और इसको भी हम आगे आगे कर देंगे ओके okay, अब हम इसको यहां से करते हैं सेव मेन्यू, ओके। okay, ये सेव हो गया अब हम वापस अपनी वेबसाइट पे जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये सारे पेजेस शो होने लगे हैं मेन्यू तुम्हारे ठीक है तो अब हम देख लेते हैं फुटर को उसके लिए भी मैं सिंपल uh, यहाँ पर ये यह देखें मुझे यहाँ पर कुछ मेन्यूज़ चाहिए होंगे तो मैं यहाँ पर मेन्यूज़ क्रिएट कर लेता हूँ uh, मैं सिंपल इधर जाता हूँ क्रिएट न्यू मेन्यू और इधर मैं क्रिएट करता हूँ फूटर वन और क्रिएट मेन्यू और यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अस और इसी तरह मैं यहाँ पर और भी चूज़ कर लेता हूँ व्यू वॉल में हम जाएंगे ब्लॉग अबाउट अस कॉन्टेक्ट माई अकाउंट एड टू मैन्यू अगे इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ यहाँ पर सेव मेन्यू और इसी तरह मैं एक और फुटर क्रिएट कर लेता हूँ क्रिएट न्यू इसको हम यहाँ से सेव कर देते हैं ये देखें और यहाँ पर मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू मैन्यू और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फुटर टू ओके क्रिएट मेन्यू और यहाँ पर मैं पेजेस चूज कर लेता हूँ कोर्स लिस्ट डैशबोर्ड इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन ओके ऐड टू मेन्यू ओके इसको हम सेव मेन्यू कर लेते हैं ओके okay, अब हम क्या करते हैं अब हम जाते हैं सिंपल यहाँ पर हमने अपीयरेंस में जाना है अपीयरेंस में आपके पास ऑप्शन तो आ रही होगी विजेट्स की आपने सिंपल इधर जाना है ओके और यहां पर आपको ये शो हो रहा है सारा यहां पर हम सिंपल जाएंगे आ, फुटर हम इस पे क्लिक करेंगे इधर हम पैराग्राफ ऐड करेंगे और इसके अंदर मैं लिखूंगा बेस्ट ऑनलाइन एल साइट बेस्ट ऑनलाइन एल साइट इसी के साथ साथ अगर आपके पास आपका कोई आ, आप अपना कोई नंबर एंटर करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर वो एंटर कर देंगे जिस तरह मैं इधर कुछ भी एंटर कर देता हूँ प्लस वन टू और ये जिस तरह मान लो ये हमारा नंबर है और यहाँ पर आप अपनी जी मेल एंटर कर देंगे एडमिन एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम ओके अपडेट नाउ वी गो टू फुटर विजय टू और इधर हम ऐड करेंगे नेविगेशन मेन्यू ओके इसका नाम मैं रखूँगा सिंपल ंक्स और सिलेक्ट मेन्यू फुटर वन और इसी तरह मैं फुटर थ्री में एक कर लूँगा फुटर थ्री और नेविगेशन मेन्यू ओके टाइटल इसका मैं रखता हूँ रिसोर्सिस ओके सेलेक्ट मेन्यू फुटर टू और यहाँ से मैं सिंपल इसको अपडेट कर देता हूँ ये अपडेट हो गया अब हम अपनी वेबसाइट में जाते हैं जाके इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर ये देखें हमारे पास एक शो हो रहा है लेकिन दूसरा नहीं शो हो रहा तो हम वापस जाएंगे फुटर वन हम यहाँ से इसको अपडेट करेंगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर ही हमारा फुटर वन और फुटर टू आ गया अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं अब हम इसको थोड़ा सा फाइनल टच दे देते हैं अपनी वेबसाइट को उसके लिए हम जाएंगे कस्टमाइज में यहाँ से मैं इस वाले ऑप्शन में जाता हूँ ऑप्शनल पैनल में हम इधर आते हैं और इधर हम जाते हैं हेडर में ओके अब हेडर में आपके पास ये ऑप्शन आ रही हैं पर अगर आप चाहते हैं कि बटन आपको यहाँ पर शो हो तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं अगर नहीं चाहते तो आप यहाँ से इसको ऑफ कर दें सिंपल ओके बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से सेटिंग से कर सकते हैं आप सिंपल और अगर आप इसको ऑन करते हैं तो आप उस तो आप इसको तो आप इसको यहाँ से लिंक कर सकते हैं किसी भी पेज के साथ तो हम इसको ऑफ़ कर देते हैं आप इसको ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको ऑन भी कर सकते हैं तो हम ऊपर जाते हैं ओके okay, नाउ हम यहाँ से लोगो सेलेक्ट करते हैं अपलोड फाइल ओके तो यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड में और यहाँ पर मीडिया में फिर यहाँ पर हमारे पास कुछ लोगोज हैं मैं सिंपल इसको उनको चूज़ कर लेता हूँ ओके ओपन सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं टू एक्स को कर देता हूं okay. यहाँ से हम इसको पब्लिश करते हैं सिंपल और पब्लिश करने के बाद अगर हम यहाँ से अपने कोर्स वाली पेज पे जाएं तो हम देख लेते हैं कैसा शो हो रहा है तो यहां पर ये यह जरा इसको अगर हम इस तरह करें डिफॉल्ट तो देख लेते हैं किस तरह का शो होता है हमें तो डिफॉल्ट मैं इसको ऐड कर लेता हूँ यूं, image, okay, so, okay, इसको मैं चेंज करके थोड़ा बड़ा ऐड कर लेता हूँ के वेट तो यहाँ पर ये देखें इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और अगर मैं होम पे जाऊं तो होम पे मुझे किस तरह का शो कर रहा है तो ये देखें होम पे मुझे सिंपल शो कर रहा है अगर मैं होम पे भी Uh, इसको कर लूँ चेंज लोगो इसको हम ये वाला कर लेते हैं इसके प्रोपिंग सो यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देते हैं और बाकी जो हमारे पेजेज हैं उसमें हम कर देते हैं कलर वाला तो so, यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको डिफॉल्ट सो यहाँ पर ये देखें हमारे पास ये वाला शो हो रहा है इसको मैं यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ ओके okay, अब होम पे अगर जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है अगर हम कोर्स लिस्ट में जाएं तो यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है ओके okay, अब हम फुटर पे जाते हैं फुटर की सेटिंग कर लेते हैं थोड़ी सी अगर हम फुटर पे जाएं और यहाँ पर अगर हम देखें सेलेक्ट बटन लोगो इसको मैं कर देता हूँ ओके चूज़ यहां okay. से हम बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं गो टू होम ओके वी डोट नीड दिस टाइप ओके सो वी कम हेयर ओके ओके तो इसको हम यहां से पब्लिश कर देते हैं और फिर हम सिंपल जाते हैं out, time, hours, मैं तो अगर मैं यहाँ से बैक जाऊँ तो यहाँ पर अगर प्रेण प्रेण तो पर पर आप मुख्तल पेज में जाएँ जिस तरह अगर मैं ब्लॉग वाले पेज में जाऊँ तो यहाँ से अगर हम वापस जाएँ और यहाँ पर अगर आप ब्लॉग पेज पर जाएँ तो यहाँ पर ये देखें आपके पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन आ रही हैं आप इसका व्यू चेंज कर सकते हैं ओके तो ये देखिए आप इस तरह भी इसको कर सकते हैं जिस तरह तो आपको बेटर लगता है आप इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं तो मैं इसको यहाँ से पब्लिश कर देता हूँ और पब्लिश करने के बाद हम सिंपल देख लेते हैं हमारी वेबसाइट किस तरह की बनी है और शुरू से हम देखना शुरू करते हैं ये देखें इस टाइम ये हमारी वेबसाइट क्रिएट हो चुकी है और ये चीज़ें अगर हम देखें ये देखें अगर मैं कोर्स लिस्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखें आप सिंपल अब मैं आपको यही चीज़ आपको मैं दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई यूज़र आता है हमारी वेबसाइट पे तो वो उसको किस तरह हमारी वेबसाइट नजर आएगी तो हम सिंपल इधर जाते हैं पेस्ट करते हैं और अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं ओके okay. तो जब भी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आएगा तो उसको हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह की शो होगी ये देखें तो so, अब मान लो वो इस कोर्स पे वो इस कोर्स को बाय करना चाहता है वो सिंपल ऐड टू कार्ड करेगा फिर उसको यहाँ से रजिस्टर नो करना पड़ेगा अपने आप को और यहाँ से ये देखें वो यहाँ पर सिंपल अपना फर्स्ट नेम एंटर करेगा जिस तरह मैं कह देता हूँ जॉन जॉन और जॉन विक फिर जॉन विक वन टू थ्री फिर ईमेल जॉन विक वन टू थ्री एट आ जी मेल डॉट कॉम और पासवर्ड भी वो अगर कोई चूज़ करना चाहते हैं जिस तरह मैं इधर चूज कर देता हूँ ओके okay, रजिस्टर सो so, ये देखें अब यहां से वो सिंपल एड टू कार्ड करेगा पहले उसको रजिस्टर होना पड़ा लॉग इन होना पड़ा फिर वो यहाँ पे आके कुछ भी कर सकता है अब वो मैं यहाँ पर सिंपल एड टू कार्ड क्लिक करूंगा तो ये देखें हम आ गए हैं इस पेज पे तो यहाँ पे मैं सिंपल करूंगा अगर आया, मेरे पास कोई कूपन है तो मैं सिंपल यहाँ से कूपन ऐड कर सकता हूँ अब ये देखें ये हमारा जो जी हमने टैक्स डाला था ये वो लग गया और वन जीरो नाइन डॉलर का हो गया तो चेकआउट करता हूँ और यहाँ पर सिंपल मैं अपनी डिटेल्स एंटर करूँगा सारी जो भी मेरी डिटेल्स हैं और फिर मैं यहाँ से ही ऑप्शन चूज कर सकता हूँ या तो मैं एच से पे कर सकता हूँ या मैं जेज कैश से पे कर सकता हूँ तो ये देखें ओके और फिर हम यहाँ से सिंपल कंप्लीट पेमेंट कर सकते हैं और अगर हम वापस जाएँ वेबसाइट के शुरू में हम यहाँ पर इन रोल ना इन रोल नाउ पर क्लिक करें तो ये देखें हम इस वेबसाइट पर आ गए हैं क्लिक है। अब वो कह रहा है सेट प्रोफाइल फोटो तो हम यहाँ से अपनी पूरी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं ओके सो लॉग आउट तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने हेडर एंड फुटर देखा और साथ ही साथ हम जो वेबसाइट बना रहे थे एल एम एस एजुकेशनल वेबसाइट वो भी हमने कम्प्लीट कर लिया और मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि अगर कोई न्यू यूज़र आपकी वेबसाइट पे आता है तो उसको किस तरह आपकी वेबसाइट नज़र आएगी किस क्या उसका यूज़र एक्सपीरियंस हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या आप वर्ड प्रेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़